लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। कल हमने स्टडी किया था हाउ लोकोमोशन हैपन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनिशियली वी स्टडीड फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। सो आई जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ दीज टॉपिक्स के एम्फीबियंस में, फिर जैसे इसमें टोड्स आ जाते हैं, सम फ्रॉग्स हैं, एन्यूरॉन्स हैं। एन्यूरॉन्स एक पूरा ग्रुप है कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोड्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो एक तो ये होपिंग, यानी कि ये ऐसे जंपिंग एक से दूसरी जगह पर करते हैं, ठीक है। और ये पानी और खुश्की दोनों में रह सकते होते हैं, क्योंकि एक तो इनकी बॉडी इस तरह की है कि इनकी बॉडी पे भी एक म्यूकस लाइक मटेरियल होता है कि जो इनको सपोर्ट करता है शिकार से बचने के लिए भी, ठीक है। दे रन यूजिंग विद स्विमिंग जंपिंग मेथड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है रेप्टाइल्स। हमने देखा रेप्टाइल्स में जैसे कि हमारे पास लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनकी ओवरऑल एक तरह से डायग्राम देख लें कि कैसे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो इसमें पाए जाते हैं, आप अगर ये वाली डायग्राम देख लें, ऐसे इस तरह से है, तो इसमें एक पॉइंट हमने ये देखा तो इनकी बॉडी जो है वो फिश लाइक है, ठीक है। थोड़ी सी ऐसी स्ट्रीम लाइन स्मूथ बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इनकी नेक थोड़ी सी ना, दे हैव वर्टिब्री, टू स्पेसिफिक वर्टिब्री, आपने नाम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एटलस एंड एक्सिस, जिसको जैसे इनकी हेड की मूवमेंट आसान हो गई है, ठीक है। इनकी टेल भी थोड़ी सी पीछे है जो कि इनको सपोर्ट कर रही है, मूवमेंट में सपोर्ट कर रही है। फिर अगर हम कुछ और स्पेसिफिक तरह के ऐसे स्नेक है इसकी बात करें, तो ये यूजिंग देयर बेली मसल्स ये जमीन पर मूव करते हैं, चलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट अडेप्टेशन हैं विच आर टेकन बाय रेप्टाइल्स, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पर वर्टिब्रीज देखी, टू सर्विकल यानी कि नेक की वर्टिब्रीज हैं, एटलस एंड एक्सिस, तो इनकी हेड की मूवमेंट को आसान कर दिया। रिब्स ऑफ स्नेक्स हैं दैट हैव मस्कुलर कनेक्शन टू द बेली स्केल, ठीक है, तो कि जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, फिर ना कुछ प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स, जैसे पुराने अगर आप ज़हन में रखें पुराने दौर के ऑर्गेनिजम्स, अक्सर हम एड में देखते रहते हैं कि जैसे इसमें वो जुरैसिक पीरियड के डायनासॉर्स वगैरह थे, ठीक है, तो वो भी बायपेडल थे, यानी कि वो अपने दो टांगों पर चलते थे और अगले दो हाथों से वो अपने लिए शिकार वगैरह का, फूड वगैरह का पकड़ने का अरेंज करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है जी लोकोमोशन इन एयर। एयर में ज़ाहिर है फ्लाइट, बर्ड्स फ्लाइट का तरीका का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी अडेप्टेशन हैं, जाहिर है दे हैव विंग्स, तो जो फोर लेम्स थी यानी कि उन्होंने, मतलब हम ये टोटल एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि सबसे पहले वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए कि जो खुश्की पानी दोनों में रहने लगे, फिर उसके बाद टोटली ड्राई लैंड की, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रेप्टाइल्स कह लें, मतलब उसमें से भी थोड़ा सा उन्हें पानी चाहिए होता है, लेकिन स्टिल दे कैन एग्जिस्ट ऑन ड्राई लैंड। फिर देन उसके बाद मैमल्स आ गए, फिर उसके बाद बर्ड्स और फिर मैमल्स, ठीक है। अब ये है कि बर्ड्स में फोर लेम्स इवॉल्व कर गए इनटू द विंग्स, ठीक है। अब विंग्स जाहिर है आपको दो हमने टाइप्स ऑफ गर्डल्स पढ़े थे, पेक्टोरल यानी कि जो नेक के साथ जो शोल्डर का रीजन है, और पेल्विक जो कि लेग्स के साथ वाला एक रीजन होता है, पेल्विक गर्डल। अच्छा, अब बर्ड्स में क्या है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल दैट पुल्स द विंग्स अप एंड डाउन, यानी कि जो उसके फोर लिम्ब्स के साथ के मसल्स हैं, पेक्टोरल मसल्स, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और जो उसके विंग्स को हेल्प करते हैं उड़ने में। स्टर्नम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कील एंड कील इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। चलिए हम इसी चीज़ को डायग्राम में देख लेते हैं कि इन्हीं की बर्ड्स में स्टर्नम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कील, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये वाले डायग्राम देख लें, आप ये देख लें कि तो आपको इन में थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम में कि कैसे इन बर्ड्स का जो एक तरह से डायग्राम, अच्छा ये इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको ये नज़र आ जाएगा, ये इसका स्टर्नम है, ठीक है, स्कैपुला। अच्छा, जैसे कि ये बर्ड्स के विंग्स हैं, ठीक है, तो ये जिस बोन से ये अटैच्ड हैं दैट इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्टर्नम एंड कील, ठीक है। अब ये इनके उड़ने के भी दो तरीकेकार हैं, एक आपने देखा होगा कि ये अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं यानी कि फड़फड़ाते हैं, और दूसरा ये होता है कि हवा में गोता लगाते हैं, सही। अब ये इन दोनों तरह की फ्लाइट को हमने डिफरेंट नेम दिए, एक तो एक्टिव फ्लाइट जिसमें ये अपने परों को डायरेक्टली फड़फड़ाते हैं, दैट इज एक्टिव फ्लाइट, और एक वो कि जिसमें ये एक तरह से ना हवा में ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, उसको हमने कहा पैसिव फ्लाइट, सही।
अच्छा ये फ्लैपिंग मोशन है जैसे ये देख लें, और ये फ्लाइट आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब चलिए हम इसको आगे आराम से डिटेल में देखते हैं कि क्या टाइप है। तो अभी हमने ये बात की कि इनका स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल गर्डल है। स्टर्नम आपने अगर ह्यूमन स्केलेटन याद होगा तो वो बिल्कुल सेंट्रल की बोन थी, बिल्कुल जिसमें दोनों साइड्स की रिब्स आपस में जुड़ी हुई थी। तो बर्ड्स में भी स्टर्नम वही वाला एरिया है कि जिसमें स्टर्नम को मॉडिफाई करके कील बनाया गया, और दिस कील इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अच्छा, फिर एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल, दूसरी बात यह है कि दे आर कवर्ड विद द फीडर्स। ठीक है, जाहिर है उनके ऊपर बहुत सारे पर होते हैं और जो एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया देते हैं टू कीप द बर्ड्स इन द एयर। फिर वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं, ठीक है, ताकि बर्ड एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। एक मेन पॉइंट स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल, दूसरा मेन पॉइंट बर्ड इज कवर्ड विद द फीडर्स, और ठीक है, और विंग्स को लार्ज सर्फेस एरिया और इंसुलेशन भी प्रोवाइड होती है जिस वजह से बॉडी हीटेड रहती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट कि जैसे हमने फिश में देखा, इसकी इनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइंड है, यानी कि खास स्पेसिफिक ऐसे जैसे हवा में एक चीज़ उड़ने के लिए या पानी में स्विमिंग के लिए होती है ना स्मूथ सी बॉडी सर्फेस, इनकी भी स्ट्रीम लाइंड है टू कट एयर थ्रू क्लियरली थ्रू द एयर। यानी कि आप अगर देखें ना जैसे तीर होता है, जैसे एरो होता है, ठीक है, आप उसको हवा में फेंक दें तो क्योंकि वो एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कील नुमा चीज़ होती है तो वो हवा में इजीली आगे की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अगर इसी में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो या इसके कुछ स्ट्रक्चर और तरह का होगा तो उसकी मूवमेंट उतनी आसान नहीं होगी। तो बर्ड्स में भी ऐसे ही है कि फीडर लाए स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी सो एयर कैन ईजिली फ्लो ओवर, मतलब इसके पर जो होते हैं बड़े स्मूथली उसी की बॉडी के अपर, मतलब जैसे पीछे की तरफ उसके बर्ड होते हैं ना, ताकि हवा उसके ऊपर आराम से गुजर सके। अब टाइप ऑफ फ्लाइट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि तो एक्टिव तरह की वो बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। एक होता है आपने देखा होगा कुछ परिंदे ऐसे ना ग्लाइड कर रहे होते हैं, जैसे क्रोज वगैरह होते हैं, और उनके ना विंग्स एक एरियोफॉयल की तरह। एरियोफॉयल क्या होता है? एनी स्मूथ सर्फेस विच मूव थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम। आपने देखा होगा ना कि एक उनका विंग ऊपर होता है, एक विंग नीचे की तरफ होता है, ठीक है। चलिए हम अगर इसी चीज़ को डायग्राम में देख लें, आप अगर ये वाले डायग्राम देखें, ये वाले ये देख लें, तो एक उनका विंग ऊपर की तरफ है, एक उसका विंग नीचे की तरफ है, ऐसा ही है ना। ये देख लें तो वो एक तरह से हवा में गोता लगा रहे होते हैं, और एक स्पेसिफिक एयर स्ट्रीम यानी कि हवा चल जिस रुख पे हवा चल रही होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने विंग्स को फैला देते हैं, ठीक है। दिस इज पैसिव फ्लाइट, के वो विदाउट एनर्जी यूज किए वो खुद को हवा में स्टेबल रखने के काबिल बनाते हैं। तो दिस इज एरियोफॉयल। व्हाट इज एरियोफॉयल अगर आ जाए तो एरियोफॉयल इज एनी स्मूथ सर्फिस विच मूव्स थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम। एयर फ्लोज ओवर द विंग। अब विंग्स के ऊपर से एयर इस तरह से फ्लो करती है कि बर्ड इज गिवन लिफ्ट, के बर्ड को एक तरह से हवा में ऊपर की तरफ उठाया जाता है। अब अमाउंट ऑफ लिफ्ट, अब कितना बर्ड ऊपर उठता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच द विंग इज हेल्प रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम। अब जिस एंगल पर अपने वो विंग्स को हवा में रखता है उस एंगल की डिपेंड अपॉन वो उसको लिफ्ट मिलता है, इनके उसने कितना ऊपर उड़ना है। अब इसके मुकाबले में दूसरी फ्लाइट है, दैट इज एक्टिव फ्लाइट। अब जब वैन लिटिल आर नो सपोर्ट कैन बी गेन फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट। अब हवा के चलने से अगर तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, मतलब जैसे हवा नहीं चल रही है जो भी सिचुएशन, द सेम इफेक्ट कैन बी अचीव बाय फ्लैपिंग द विंग। अब परों को फड़फड़ाकर यानी कि फ्लैपिंग से यही फ्लाइट उड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं। एज द बर्ड मूव थ्रू द एयर, जैसे वो हवा से गुजरता है, एयर फ्लोज मोर क्विकली ओवर द कर्व्ड अपर सर्फेस देन ओवर द लोअर सर्फेस। हवा के जो कर्व एरिया है उसके विंग्स का, ऊपर से हवा ज़्यादा तेजी से गुजरती है एज कम्पेयर टू द लोअर सर्फेस। इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग। अब हवा ऊपर से तेजी से गुजर रही है तो क्या हो रहा है कि ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जब नीचे का प्रेशर ज़्यादा है तो नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग, ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है विच गिव्स लिफ्ट टू द बर्ड, तो वो हवा में ऊपर उड़ने के लिए इसको ईजिली इसके लिए पॉसिबल होता है। तो आई रिपीट कि कैसे बर्ड्स में हमने 3 to 4 अडेप्टेशन देखी कि एक तो इसकी बॉडी मॉडिफाइड है फॉर फ्लाइट, दूसरी बात यह स्मूथ स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स हैं जिसके साथ विंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है, बॉडी इज कवर्ड विद द फीडर्स, और इस फीडर्स के होने के क्या हेल्प होता है, फ़ायदा होता है कि एक तो लार्ज सर्फेस एरिया उसको दिया जाता है, दूसरी बात बॉडी को वार्म रखने के लिए और इनफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह से इंसुलेशन का काम भी करते हैं। फिर बॉडी स्ट्रीम लाइन, और फीडर्स क्या करते हैं, दे
उनके ऊपर से हवा इजीली फ्लो कर जाती है। तो ये इसके बॉडी के तीन चार अडेप्टेशन है। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्लाइट देखी, पैसिव फ्लाइट एंड एक्टिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट में हमने देखा कि जब उसके विंग्स एक्ट करते हैं एज एरियोफॉयल। एरियोफॉयल क्या है? एन स्मूथ सरफेस एरिया विच मूव थ्रू द एयर एट एन एंगल, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एंगल अकॉर्डिंग टू एयर स्ट्रीम, मतलब जिस स्पीड पे हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, उसी के अकॉर्डिंगली एयर स्ट्रीम पर एक खास एंगल बनाया जाता है, और उस एंगल पर डिपेंड करते हुए उसको अपवर्ड फ्लाइट मिलती है, यानी कि बर्ड को। फिर हमने दूसरी बात हमने ये देखी कि एक्टिव फ्लाइट क्या है। एक्टिव फ्लाइट का मतलब कि जब हवा से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही उड़ने के लिए, तो बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही उसके विंग्स के ऊपर से हवा तेजी से गुजरती है, नीचे से हवा जरा स्लो गुजरती है, तो ऊपर विंग्स के ऊपर का हवा का एयर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको अपवर्ड प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, इस वजह से वो हवा में उड़ने के काबिल होता है। फिर एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स में जाहिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। अब ये क्लासिफिकेशन है, थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसके मैमल्स में है, प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड्स एंड अंगुलीग्रेड्स। प्लांटीग्रेड्स क्या है? ऑल दोज एनिमल्स हु वॉक ऑन देयर सोल, यानी कि जो अपने तलवों पर चलते हैं, विद पाम, रिस्ट एंड डिजिट्स। ठीक है, पाम यानी कि हाथ की हथेली हो गई, रिस्ट यानी कि जो हमारी रिस्ट बोन है, आपको पता है कि जो हमारी हथेली के साथ की जो कलाई की एक तरह से बोन है, एंड डिजिट्स। ऑल रेस्टिंग मोर और लेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर थोड़ा या ज्यादा या मुकम्मल तौर पर चलते, मतलब चलते ऐसे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर अपने हाथ पाँव को जमीन पर रखकर चलते हैं। इसमें अब ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आ गए? मंकीज, एप्स, मैन एंड बियर। अच्छा, फिर दूसरा ऑर्गेनिजम है डिजिटीग्रेड। डिजिटीग्रेड्स कौन से हैं? कि हु टेंड टू वॉक ऑन द डिजिट्स ओनली, यानी कि जो अपने पाँव की जो एक तरह से छोटा एरिया है, ठीक है, वो मतलब जितना भी थोड़ा एरिया पाँव पर रखा जाएगा, जमीन पर रखा जाएगा, उतनी ही तेजी से वॉकिंग होगी, रनिंग इजीली होगी। इसी वजह से डिजिटीग्रेड का जो ग्रुप है, दे रन फास्टर देन द प्लांटीग्रेड एनिमल्स। इन दिस एनिमल फर्स्ट डिजिट्स यूजली रिड्यूस आर कम्प्लीटली लॉस्ट एज इन द रैबिट्स एंड रोडेंट्स, मतलब ये जो खरगोश और गिलहरियाँ वगैरह हैं ये आ जाती हैं डिजिटीग्रेड्स में, बिकॉज दे रन ऑन देयर डिजिट्स ओनली। फिर उसके बाद है अंगुली ग्रेड। इसमें क्या है? हूफ्स, ठीक है, यानी कि जो उसको उर्दू में आप खुर कहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल्स, ये मूव वॉक करते हैं ऑन द टिप ऑफ द टूज, यानी कि जो उनके पाँव का अगला एरिया उसके भी टिप पर चलते हैं, ठीक है, जैसे कि डियर, गोट। इट इज़ द मोस्ट स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन, सबसे तेज तरीन लोकोमोशन कौन सी है? अंगुली ग्रेड की है ये, मल्टीपल चॉइस का।